नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी फैमिली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जयपुर एक ऐसी जगह है इंडिया में जहां पर साल भर लोग जाना पसंद करते हैं, वहां हमेशा टूरिस्ट आते रहते हैं और वो इतनी खूबसूरत जगह है कि उसे बार बार देखने का मन भी करता है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको जयपुर में क्या क्या देखना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे जा सकते हैं और वहां पे होटल वगैरह कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी की पूरी डिटेल एक ही वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं और ये दिल्ली के बहुत ही पास है। दिल्ली में रहने वाले लोग हमेशा जयपुर जाते रहते हैं, वीकेंड में भी जाते हैं और ऐसे छुट्टियों में भी जाते रहते हैं। जयपुर आने के लिए आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन आपको देश के हर कोने से मिल जाएंगी और बस आपको आसपास के शहरों से मिल जाएंगी, तो इन सारे ट्रांसपोर्ट से आप आ सकते हैं। और साथ ही अगर आसपास के शहरों में रहते हैं तो आप अपने वाहन से भी यहां पर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। आने के बाद आपको होटल लेना है सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड का नाम है सिंधी कैंप और इसी के पास आपको अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। होटल की रेंज स्टार्ट होती है 600-700 से लेकर आगे आप जितने महंगे होटल ले सकते हैं। तो यहां पर आपको होटल इसी एरिया में लेना है। इस एरिया में लेने से आप पूरा जयपुर आराम से घूम पाएंगे। होटल लेने के बाद आप सबसे पहले रेडी होकर हवा महल जाइए। हवा महल आपको नजदीक पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप समझ पाएंगे हवा महल इतना फेमस क्यों है और यहां पर जयपुर में हर कोई इसकी बात क्यों करता है। हवा महल देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और यहां पर आपको 953 झरोखे मिल जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर जब रानियां रहती थी तो इन झरोखों से ही बाहर देखा करती थी। तो ये झरोखे काफी अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको और झरोखे देखने को मिलेंगे और आप जल्दी चले जाइए क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां की एंट्री फीस 50 रुपए है और अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास आई कार्ड है तो आपको 20 रुपए में एंट्री मिल जाएगी। हवा महल देखने के बाद आप जा सकते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर भी थोड़ा पास है और वहां पर आप आराम से जा सकते हैं। लोकल ट्रेवल के लिए आप ऑटो ले सकते हैं या फिर आप कैब ले सकते हैं, ओला उबर उस तरह की सर्विसेज वहां पे चलती रहती है। और अगर आपको स्कूटर हायर करना है तो वो भी आप वहां पर कर सकते हैं। जंतर मंतर आप जरूर देखिए और खासकर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को भी जंतर मंतर दिखाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जंतर मंतर के पास ही है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की एंट्री फीस है 300 रुपये एडल्ट के लिए और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रॉयल फैमिली किस तरह रहा करती थी उस तरह का देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा प्राइवेट एरिया भी है जहां पर अभी भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। वहां पर जाने के लिए आपको स्पेशल टिकट लेना पड़ेगा, वो प्राइवेट एरिया है। वहां पर आपको जगह जगह लिखा मिल जाएगा प्राइवेट एरिया, तो वहां पर आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास स्पेशल टिकट ना हो, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होती है। बाकी आप नॉर्मल प्राइस में 300 रुपये में आगे का एरिया पूरा देख सकते हैं और वहां पर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बढ़िया मजा आएगा। और उस एरिया को आपको घूमने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे लगेंगे, तो उतना टाइम आप लेके चलिए। सिटी पैलेस घूमने के बाद आप लंच करिए और लंच करने के बाद आप जा सकते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने के लिए। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम काफी सुंदर है और रात को इवनिंग में यहां पर इतनी अच्छी लाइट होती है कि इसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहां पर आपको एक मम्मी भी देखने को मिलेगी जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा और यहां पर छोटे बड़े हर तरह के नक्काशी देखने को मिलेगी जिससे देखकर आपका मन काफी प्रफुल्लित हो जाएगा, काफी खुश हो जाएंगे। यहां पर अलग अलग तरीके के औजार भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही आपको यहां पर बहुत अच्छे अच्छे मार्बल के मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो इस म्यूजियम में आप जब आएंगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, आप बहुत ही आपको ज्यादा पसंद आएगा। और इसका मेन अट्रैक्शन यहाँ की लाइटिंग है जो कि इवनिंग में होती है और उसके साथ ही यहाँ पर आप मम्मी देखेंगे तो वो आपको ज्यादा यूनिक लगेगा। आप अगर जयपुर में हैं और आप रंग बिरंगी चीजों की और जूतियों की शॉपिंग ना करें तो आपको मजा ही क्या आएगा। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने के बाद आप जा सकते हैं बापू बाजार या जौहरी बाजार, ये दोनों बाजार वहां पर ही है, नजदीक में है। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं और दोनों मार्केट्स में आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप जयपुर से रंग बिरंगे ड्रेस, चुन्नी और जूतियां ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। जौहरी बाजार और बापू बाजार घूमकर आपको शॉपिंग की सारी जो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी हो जाएंगी और यहां पर आप आराम से घूमिए, अपना शाम और इवनिंग और रात का टाइम पूरा बिताइए, उसके बाद आप होटल चले जा सकते हैं। डे टू की शुरुआत करिए आप रावत कचौड़ी में जाके। रावत कचौड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस है जयपुर में और ये आपको सिंधी कैंप के पास ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट करिए और यहाँ के बाद आप एक तो ऑटो या फिर आप कुछ भी हायर कर सकते हैं, कार वगैरह, और आप जा सकते हैं देखने के लिए आमिर फोर्ट। यहाँ जयपुर में आपको 3 फोर्ट मिल जाएंगे देखने के लिए, आमिर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। तो आमिर फोर्ट सबसे नजदीक है, आप वहां पर सबसे पहले जा सकते हैं और रास्ते में आपको जल महल भी देखने को मिल जाएगा। जल महल रास्ते में ही है तो रोड से आप उसे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं या फिर वापसी में भी आप उसे देख सकते हैं। आप आमिर फोर्ट सबसे पहले जाएंगे तो वहां पर जैसे ही आप उतरेंगे आपको बता दें कि नीचे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो कि बोलेंगे कि आप 500 रुपए दीजिए, आपको जीप से ऊपर ले जाएंगे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, 300 से लगभग ज्यादा सीढ़ी है तो आप वहां पे चढ़ नहीं पाएंगे। वो आपको इस तरह कन्विंस करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको आराम से जा सकते हैं वहां पर। मेरे साथ तो 5 साल की बच्ची थी और मैं उसको लेके भी आराम से चला गया और यकीन मानिए आप जब वो चढ़ के जाएंगे वही सबसे ज्यादा आपको एक्साइटमेंट लगेगा, वही पर आप सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे।
और चढ़ने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीढ़ियां भी हैं और कंफर्टेबल है काफी, आप बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, आप आराम से चढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 500 रुपए देकर जीप से जाना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप जरूर जीप से जाइए, लेकिन आप वहां पहुंचकर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। तो आप ये दो रास्तों से यहां पर पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आपको 50 रुपए की एक टिकट लेनी है जिससे आप पूरा का आमिर फोर्ट देख सकते हैं। आमिर फोर्ट देखने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे और वहां पर काफी बड़ा है तो साफ एरिया आपको घूमने में टाइम तो लगेगा ही। वहां पर सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो है शीश महल। शीश महल देखकर आपको काफी खुशी होगी और आपको वहां पता चलेगा कि राजा और रानियां किस तरह रहती थी। आप वहां पर वो बगीचा भी देख सकते हैं जहां पर राजा ने कोशिश की थी कि केसर की खेती हो सके, और ऊपर से आपको जो नीचे का एरिया मिलेगा, जो अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, वो तो नजारा देखने लायक ही है। इसके अलावा आप यहां से उसके बाद जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही फोर्ट घूमिए और आराम से घूमिए और अच्छे से घूमिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा तीनों घूमने की कोशिश करेंगे तो आप एक का भी मजा नहीं ले पाएंगे और आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये पूरा शाम तक घूम लीजिए, और शाम को अगर आपको टाइम मिलता है तो यहां पर एक बहुत ही फेमस जगह है जिसका बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम है चौकीधानी, जो कि आपको जयपुर के आपको सिंधी कैंप से करीब 20 किलोमीटर बाहर पड़ेगा। अगर आपका मन है, आप ऐसी जगह पहले कभी नहीं गए तो आप वहां जरूर जाइए। वहां की टिकट आपको 800 रुपए है और आपको वेज खाना मिलेगा और वहां पे काफी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नॉनवेज कर लेंगे तो 1200 का टिकट पड़ेगा और वहां पर आप डिनर कर सकते हैं और काफी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी तो जाइए, आप एक बार देख लीजिएगा वहां पे क्या है। मैंने भी इसका वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा। बट आप अगर इसे मिस कर देंगे और आप यहां नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, ये बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड प्लेस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि आप यहां जरूर जाइए, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं कहता हूं आप यहां अगर नहीं जाएंगे तो भी आपका भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आपको जाना ही है। यहां पर बहुत ज्यादा फूड की वेस्टेज होती है, इस बात को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हैं। और यहां पर बाकी जब अंदर जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करने के लिए आपसे चार्ज किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा आप अगर जाना चाहते हैं तो झज्जर फार्म हाउस जा सकते हैं, प्रतापगढ़ में है, और उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो इससे ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है, और वहां पर आप पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। आपको वहां पर खाने पीने का तीनों टाइम सब कुछ मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तीसरे दिन की शुरुआत आप करिए बिरला मंदिर जाके। बिरला मंदिर जाइए और यहाँ पर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के दर्शन करिए। बिरला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है और ये पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है। आप इसे देखकर आपको इतना अच्छा लगेगा और आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पर जाके आपको इतनी अच्छी वाइब आने वाली है और इतना खूबसूरत है, आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत और खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल रिकमेंडेड प्लेस है। आप सुबह उठकर जल्दी जाइए और इस जगह को एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो 1-2 घंटे में आप पूरा का पूरा घूम सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। बिरला मंदिर के बाद आप जा सकते हैं पत्रिका गेट। पत्रिका गेट एक ऐसी जगह है जयपुर में जहाँ पर लोग दूर दूर से सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं और इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए आते हैं। तो अगर आप फोटो खिंचाने के शौकीन हैं तो आप इस जगह पर जरूर जाइए, और अगर आप रील बनाते हैं तो आप यहाँ पर जरूर जाइए। आपको रील बनाने के लिए बहुत अच्छा एरिया मिलेगा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा, और यहाँ पर आप टाइम से चले जाइए क्योंकि एक टाइम के बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत सारे प्री वेडिंग फोटो शूट होते हैं यहाँ पर, तो इस जगह बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। और जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। पत्रिका गेट पे आप मनचाहा टाइम बिता सकते हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर झूले पार्क वगैरह भी है, तो बच्चे भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद शाम को आप 1-2 और गार्डन है आसपास में, वहाँ पर जा सकते हैं। सारे गार्डन घूमने के बाद रात को आप यहाँ से बस, ट्रेन या जिस माध्यम से आप गए थे उसी माध्यम से वापस आ सकते हैं। तो ये 3 दिन का आइटिनरी थी। तो ये है जयपुर के 3 दिन की आइटिनरी। आप अगर इस तरीके से अपनी ट्रिप को प्लान करेंगे तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको काफी मजा आएगा और आप हर चीज को कवर भी कर पाएंगे। तो आपको जयपुर कैसे प्लान करना है, इस वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपना जयपुर प्लान कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी है और ऐसी कौन सी चीजें जो आप मिस कर देंगे तो भी आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों बात करें बजट की, अगर आप एक नॉर्मल खर्चा करते हैं और आप 1500 तक का होटल लेते हैं तो आपका यहां पर 3 दिन का खर्चा अगर मिला है तो आपका 8000 या उससे कम में आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप खुला खर्चा करना चाहते हैं तो उसकी तो कोई रेंज ही नहीं है। और अगर आप और भी कंजेस्टेड खर्चा करना चाहते हैं, बजट में रहना चाहते हैं, तो 2 जन के लिए यहां पर 6000 रुपए बहुत ही अच्छा है। 3 दिन के लिए आप आराम से एंजॉय करके घूमकर वापस आ सकते हैं। तो इस बजट में आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जयपुर का ज्यादा खर्चीला नहीं है बिल्कुल भी, और आप आराम से एंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जयपुर। तो अगर और भी कोई जगह आप गए हैं जो मैंने मिस कर दी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।